देखिए मैम, हम लोग जितने भी मंत्री हैं सब लोगों से मिल चुके हैं। सभी लोगों ने हम लोग का विज्ञापन है 01/2017 का और आज हो गया 2022। बस हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है। हम लोग की जो प्रक्रियाएं हैं, रनिंग है, रिटेन है, गोला फेंक है, जो भी होता है प्रोसेस, मेडिकल होता है, बॉन्ड भरा जाता है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, जो थाना वेरिफिकेशन, सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है। खाता भी खुल चुका है, देखिए यहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है होमगार्ड। और खाता तभी खुला जाता है जब आप किसी को अपना कर्मचारी अपने यहाँ मान लेते हैं। तब जब पैसा भी कट चुका है, पीएफ भी कट चुका है, जब इतना कुछ हो जाने के बाद सरकार अभी तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है और बस हम लोगों को बस आश्वासन मिल रहा है। और अभी सरकार जो है, इसीलिए हम लोग उम्मीद से आए हैं, सभी लोग सरकार से मिल रहे हैं और हम लोग भी बहुत बार गुहार लगा चुके हैं। और जो हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कहा है कि आप लोगों का जो काम है करवाएंगे, लेकिन बस उम्मीद है, धैर्य कितना रखे, हम लोग भी 5 साल अब होने को चला है। इसीलिए हम लोग आज मिलने के लिए आए हैं कि सर से डायरेक्ट बात करेंगे और पूछेंगे सर कि सर आश्वासन कब तक। अब बहुत देर हो चुका है, हम लोग को जल्दी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। हम लोग देखिए छोटा छोटा बच्चा लेके आते हैं, बारिश का मौसम है, कितना तकलीफ, अभी हृदय मेरा हिल रहा है अंदर से, क्योंकि बारिश हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे बच्चा को लेके, क्या करें। इतना मतलब दयनीय स्थिति है, खराब स्थिति है कि कुछ बोल नहीं पाएंगे। बस यही उम्मीद है कि सर हम लोग का